जिला वैश्विक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों के भवनों तथा वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेने जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने बुधवार को लगभग एक दर्जन से अधिक विद्यालयों का भ्रमण किया और विद्यालयों की बिल्डिंग, शौचालय, पेयजल की व्यवस्था, छात्रों के पठन पाठन के लिए उपलब्ध डेस्क, बेंच, शिक्षकों की संख्या, स्कूल के ग्राउंड तथा छात्रों के सुरक्षा की दृष्टिगत बनाए गए बाउंड्री वॉल, गेट सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वहां मौजूद टीचर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय बनकट्टीगंज, रावत पाठशाला, तुर्कमानपुर, नौसड़, खूनीपुर, सेंटर मॉडल विद्यालय इलाहीबाग, हजारीपुर, नरसिंहपुर, जूनियर हाई स्कूल हजारीपुर, जटेपुर, पुरदिलपुल, पुलिस लाइन, असुरन, प्राचीन एवं प्राथमिक विद्यालय झरना टोला पहुंचे और स्कूलों का निरीक्षण किया। प्राथमिक विद्यालय पहुंचे जिलाधिकारी ने देखा कि पूरे स्कूल परिसर तथा स्कूल के कुछ भवनों में एक समुदाय के लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिससे पठन पाठन बाधित हो रहा है। डीएम ने उन लोगों से बात करते हुए स्कूल परिसर को खाली करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि आप लोग एक सूची बना कर दें, जिससे आप लोगों को निजी मकान मुहैया कराया जा सके। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने वैश्विक शिक्षा अधिकारी बीएन सिंह को निर्देश दिया कि जिन विद्यालयों में फर्श, शौचालय एवं अतिरिक्त क्लासरूम बनाने की आवश्यकता है, उसे तत्काल कराया जाए। जहां पर पेयजल आदि की समस्या है, उसे भी दूर किया जाए। उन्होंने एसडीएम सदर को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि जो विद्यालय प्राइवेट जगहों पर संचालित हैं, उनके लिए जमीन की तलाश की जाए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेय ने बताया। करने के लिए ज्यादा यूज करते हैं ना, लड़कों के लिए यूरिनल्स बना ले, लड़कियों के लिए भी छोटी सी यूरिनल्स आती है, वो बनवा दो, इससे किसी का फायदा नहीं है। ये तो अच्छा, मालिक कौन है इसका? अभी ना का मालूम है, शायद कर गया जो पुरानी। अच्छा, नए वाले खोजो, नए वाले खोजो, उनको दे दो ये स्कूल को। ये तो तुम्हारा वजह खोल रखा है, तो पूरा जानवर से लेके अंदर छोर तक सब आ रहे हैं, तुम बंद करके पहचान रहे हैं डीएम साहब है। एक चाबी तुम रख लो, एक चाबी उनको दे दो, तब जरूरत है तब यूज करो, बाकी समय में बंद करिया करो उसको। बाकी समय बंद रहता है मैडम, आए खुला, अरे आज न खुला है, अभी न खुला है, सब गाड़ियां पड़ी हुई इधर भी पड़ी। उसके बाद क्या ये सारे कूड़ा कबाड़ा सारे तो उठा लो, तुम्हारे लिए अलग बाउंड्री बनाना पड़ेगा। टाइमिंग क्या है आपका चलाने का? 4 बजे से 10 बजे, 10 बजे रात तक चलता है। 10 बजे रात तो दिन में, दिन में 11 बजे से 2 बजे, 11 बजे से 2 बजे यहीं रहते हैं आप? पहले ये क्या दूसरा स्कूल है क्या? नहीं सर, ये प्राइमरी जूनियर। पैसा है आपके खाते में? में है, में है, और प्रबंध समिति में 20-22 हज़ार निकल। प्रबंध समिति में कितना? उसी में 20
चंदन भैया इधर उधर से रास्ता है, यही बिल्डिंग है, इधर से रास्ता है सर, इधर से। ये भी छूट गई है। जी 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 सर, एसीआर है, मतलब बिल्डिंग है सर। कौन बेटा है उसपे? आप क्या कर रहे हैं? नहीं होगा तो क्या जाएगा? हाँ वहाँ से आगे सर घूम रहा है। अजय बाबू सुना डॉ सुना डॉ नहीं पीछे भी कमरा है क्या सर? हाँ सर कमरे है सर, थोड़ा इसके पीछे। जी सर कब से कब जाए यार, क्यों नहीं किया आप लोग कुछ कार्रवाई? आपको जानना बड़ा मोटा मोटा कोई देखा ही आज नहीं। घर मिलेगा, घर में जैसे यहाँ बांस पट्टी वाले नहीं थे तो चले गए घर में, उसी तरह यहाँ बैंक रोड वाले का भी बसा है, पेपर में देखे होंगे 150 परिवार। सर हम लोग बहुत साल से यही पे पड़े हुए हैं, कोई गुजर उसी तरह से आप लोग घर चले जाए। इतने हजार साल भी रहो ये तुम्हारा थोड़ी होगा, तुम्हारा मालिका ना थोड़ी होता है, आज नहीं तो कल कोई उगाड़ के फेंकेंगे। आपके नाम से घर हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा एक जगह। हम लोग को चाहे हम लोग का बच्चे लोग का भविष्य बन जाए अच्छा ही है। हम लोग का परिवार आपका नेता है बन जाए बढ़िया से, उसके लिए फ्रंट पेज पे डालिए। आप लोगों से निवेदन है कई बार हुआ भी तो सर साहब, ना केवल गुजारने में काम नहीं चलेगा ना, दूसरा तो ये भी तुम्हारा प्रांगण है। तुम लोग भी गुजराती लोग हैं, करो जाओ। ये कहाँ से बन गया तुम्हारा, ये कैसे बन गया, जमीन किसकी है? माता जी की साधन कहाँ है? तुम्हारा गए हैं लोग गाँव मंगल पर दिखाओ, क्यों घर तो आपका यहाँ है। पूछ रहे थोड़ा दाम कितना रहा सही साल से हो जाएगा।
70 विद्यालय शहर का अंदर है, उसकी स्थिति बहुत ही खराब है। उसी के लिए निरीक्षण दौरा पे आया है। कुछ विभाग का पैसा लग के और कुछ निधि संस्था के पैसा लग के हम लोग सही कराने के उद्देश्य पे हैं। एक दो जगह अवैध कब्जा भी है, उन लोगों को हटा करके दूसरे जगह बसाएंगे, फिर उसको विद्यालय को भी सही कराएंगे। उसी दिशा पे चल रहा है काम। उसके लिए कुछ पैसा विभाग के पास है, कुछ पैसा हम लोग दूसरे निधि से दिला देंगे, विधायक निधि से, सांसद निधि से, क्रिटिकल गैप से, किसी माध्यम से दिला करके उसको बना देंगे। ये वरीयता में ले रहे हैं हम लोग, तो अगले 3 महीने के अंदर ये सारे काम कराएंगे।